नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ज्ञान गैलरी और आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यदि आप 12th क्लास में हैं और बायोलॉजी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, इनमें कौन अंडप्रजक नहीं है? अंडप्रजक का मतलब होता है वैसा प्राणी जिसका जन्म अंडे से होता है या जो अंडे देते हैं। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य। मनुष्य में शिशु का जन्म होता है, बाकी ये तीन प्राणी में अंडे से या ये अंडे देते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें कौन द्विलिंगी प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी का मतलब होता है कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक साथ एक ही जीव पर प्रेजेंट होता है, तब उस प्राणी को हम द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। ये चार ऑप्शन में राइट आंसर है चूहा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीन नाम आप अच्छी तरह देख लें, ये द्विलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में बहुत सारे हार्मोन का योगदान होता है और वो अलग अलग ऑर्गेन या ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो पित्तपिंड को अंग्रेजी में कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वह टेस्टिस से स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे, उसमें आप बहुत सारे भाग पढ़े होंगे, तो उनमें निषेचन की क्रिया किस भाग में होती है? इसका राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम डिंबवाहिनी नलिका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होता है। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था? तो वास्तव में पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था, जो कि वास्तव में एक कवक है, फंजाई ग्रुप का वह एक सदस्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्यकी और अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं? मतलब दो जीव है जो कि आकार में भी एक जैसा है और उसके आनुवंशिक गुण भी एक जैसा है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन की परिभाषा भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुष्प में वर्तिकाग्र से पहले पराग कोष परिपक्व हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? पर वर्तिकाग्र क्या है? फीमेल पार्ट हो गया। पराग कोष क्या हुआ? मेल पार्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि वर्तिकाग्र से पहले पराग कोष मतलब मेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम पुंग पूर्वता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भाग मादा जनन अंग नहीं है? यदि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटल भाग आप अच्छे से याद रखेंगे तो ये एक बहुत इजी सवाल है। तो कौन सा भाग मादा जनन अंग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला में प्रसव के बाद निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है खीस। एंटीबॉडी नहीं होता है, लसिका नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हुआ? खीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ सवाल है भारत में। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत 1951 में की गई थी, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं?
मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीन एक ही होना चाहिए लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? अलग अलग स्वरूप को क्या कहते हैं? तो उसे हम एलील कहते हैं। आप मल्टीपल एलील्स में पढ़े होंगे तो उससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि उसे एलील ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब F1 का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? इसे हम परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी में इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आप टेस्ट क्रॉस पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जब F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होता है उसे हम अप्रभावी जनक से यदि क्रॉस कराते हैं तब वह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको स्पष्ट रूप से पता होगा कि गुणसूत्र की संख्या जो युग्मक में होता है वह कायिक कोशिका से आधी होती है। मनुष्य के कायिक कोशिका में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं तो युग्मक में कितना हो जाएगा? टोटल 23 गुणसूत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? सेल्विया एक अच्छा एग्जाम्पल है कीट परागण का और इसमें अनुकूलन भी कीट परागण के लिए होता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे सेल्विया में परागण तो आपको ये थोड़ा इंटरेस्टेड भी लगेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनुकूलन का, तो ये कीट द्वारा सेल्विया में परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोगैमी में पराग नली किससे होकर भ्रूण कोश तक पहुंचता है? जब भ्रूण कोश में पहुंचना होता है पराग नली को तो वो तीन तरह से प्रवेश करता है, या तो निभाग द्वारा, या तो अध्यावरण द्वारा, या तो बीजांड द्वार द्वारा। तो बीजांड द्वार से जो प्रवेश करता है उसी को पोरोगैमी कहते हैं। यदि निभाग की ओर से प्रवेश करता है तो उसे चलाजोगैमी कहते हैं, और यदि अध्यावरण को तोड़ते हुए प्रवेश करता है तो उसे मेजोगैमी कहते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए। और पोरोगैमी को हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार से जब वो प्रवेश करता है तब उसे पोरोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? लीडिंग कोशिका टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिस को हम वीर्यक्षण भी कहते हैं, जिसमें हम नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है वहां लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 250, 260, 270, 280 डेज। तो इसका राइट आंसर है 270 डेज। गाय का औसतन गर्भकाल 270 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनारंभ के समय प्रथम आर्तक चक्र को क्या कहते हैं? तो यवनारंभ के समय जो प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम रज्जो दर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे मेनार्की कहते हैं। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक कुछ नए प्रश्नों के साथ। यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लें, वहां आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।